देखिएगा, हेडिंग डालिएगा क्रेनियल नर्व, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व आपने देखा होगा कि नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन द टू टाइप्स, फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्व सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर एक था आपका क्रेनियल नर्व और दूसरा था स्पाइनल नर्व, ठीक है ना। तो आज अपन इस क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं। क्रेनियल नर्व कितना पैर होती है? 12 पैर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि क्रेनियल नर्व 12 पैर 12 जोड़ी या ऑब्लिक कितना होता है? 24, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रेनियल नर्व ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है ना। ब्रेन, हेड, है ना, नेक, वहाँ से ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट होती है और वहाँ से इधर उधर जाती है। तो अब देखिएगा, क्रेनियल नर्व की बात करें तो ये जो टाइप्स की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स की बात करें तो ये तीन प्रकार की होती है। पहला होता है सेंसरी, सेंसरी क्रेनियल नर्व, दूसरा है मोटर, मोटर क्रेनियल नर्व, और तीसरा है मिक्स्ड, जिसको बोलते हैं बोथ, दोनों प्रकार की। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन समझते हैं कि सेंसरी क्रेनियल नर्व क्या होता है, मोटर क्रेनियल नर्व क्या होती है और मिक्स्ड क्रेनियल नर्व क्या होती है। अब देखिएगा, सेंसरी क्रेनियल नर्व वह नर्व जो किसी ऑर्गन से, किसी अंग से कोई भी सेंसेशन को, कोई भी ज्ञानेंद्रिया को सेंसेशन को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है, वो किस नर्व का होता है? क्रेनियल नर्व का, सॉरी सेंसरी नर्व का। किसी भी ऑर्गन से, देखो, किसी भी ऑर्गन से ब्रेन तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किसका है? सेंसरी नर्व का काम है, ठीक है। जैसे अपन का बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, जैसे अपन को कहीं जाना है, आना है, आँख खोलना है, बंद करना है, तो इसके अंदर दो प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। एक पहले कोई भी, जैसे अपन के हाथ के, हाथ में पिन चुभ गया, तो पिन चुभने का मतलब ये हुआ कि जैसे पिन चुभता है पेन होता है, पेन होगा तो यहाँ से सेंसेशन जा कर के ब्रेन तक पहुँचाएगा कि जहाँ पर पिन चुभा है उसको, हाथ को क्या करना है? हटाना है। तो कोई भी सेंसेशन को, इन्फॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गन से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन सी तंत्रिका का होता है? वो होता है सेंसरी तंत्रिका तंत्र का, है ना, जिसको संवेदी बोलते हैं, है ना। सेंसरी मतलब ऑर्गन से लेकर के कहां तक? ब्रेन तक इंफॉर्मेशन करना, और उसके बाद में यदि पेन पिन सुबह है तो उस पिन पिन को वहां से क्या है? हाथ को क्या है? हटाना है। तो उस हटाने की कंडीशन के अंदर ब्रेन के तक जो इंफॉर्मेशन मिला है उसका पालन करने के लिए कौन सी नर्व एक्टिव हो जाती है? मोटर नर्व। और मोटर का काम होता है मूवमेंट करवाना, है ना, मोटर का काम हुआ है मूवमेंट करवाना, ठीक है ना। तो वो जाकर के हाथ से क्या करवाएगी? मूवमेंट करवाएगी। तो ये दो प्रकार की कंडीशन हो गई कि किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को, ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी नर्व का हो गया, और किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाना है, मूवमेंट करवाना है तो कौन सी नर्व काम करेगी? मोटर नर्व करेगी। तो इसके अंदर ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन ऑर्गन तक आएगा, है ना, ब्रेन से कोई, ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचेगी? ऑर्गन तक, ठीक है ना, टारगेट ऑर्गन तक, जहाँ जिसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कंडीशन, जैसे आपने देखा होगा कि एक पेशेंट को इंजेक्शन लेसिक्स देते हैं। अब लेसिक्स क्या करता है? लेसिक्स इंजेक्शन, जिसको फ्रूसामाइड बोलते हैं, इसे यूरिन की एक्टिविटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि वो उस ब्लड के अंदर दिया, ब्लड के अंदर इंजेक्शन दिया, और ब्लड के साथ में जाकर के वो लेसिक्स इंजेक्शन कहीं पे भी कोई एक्शन नहीं किया, एक किडनी के ऊपर जाकर के एक्शन किया, किडनी के पास में जो बोमेंस कैप्सूल्स है, ग्लोमेरुल्स है, वहाँ पे एक्टिविटी को बढ़ा दिया, उस झिल्ली के अंदर जो कैपिलरीज है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ब्लड जो फिल्टर हो रहा है, उस फिल्टर होते टाइम में ब्लड को, ब्लड के साथ में पानी को भी जरूरत के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर वापस से डाल देता है, परंतु इंजेक्शन
कंडक्शन लेसिक्स वहाँ पे जाकर के ग्लोमेरुलस की परमेबिलिटी बढ़ा देता है, और जब परमेबिलिटी बढ़ जाएगा तो वाटर के प्रति परमेबिलिटी बढ़ने से वाटर क्या है वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इसलिए यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से मैंने आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया था, है ना, कि कौन सी जगह पे क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मिक्स्ड नर्व है वो नर्व है दो प्रकार की, सेंसरी भी होती है, मोटर नर्व होती है। तो अभी अपने क्या पढ़ा कि क्रैनियल नर्व कितनी प्रकार की होती है, 12 पेयर, सॉरी नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व कितनी होती है संख्या के अंदर, वो होती है 12 पेयर या 24। यदि टाइप्स की बात करें तो ये तीन टाइप्स की होती है, कि सेंसरी क्रैनियल नर्व, और दूसरा है मोटर क्रैनियल नर्व, और तीसरा है मिक्स्ड या बोथ, ठीक है। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। देखिएगा, लिखिएगा, और क्रैनियल नर्व है वो किस नंबर्स में लिखते हैं, सीरियल नंबर में किस में लिखते हैं, रोमन संख्या के अंदर, किसके अंदर लिखते हैं, रोमन संख्या के अंदर लिखा जाता है। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्रैनियल नर्व 12 पेयर होती है, जिसके अंदर पहला है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लोमोटर, ट्रोकोलियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, असेसरी ऑर्गन एंड हाइपोग्लोसल, ठीक है। अब इसके अंदर आपको किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले अपन बात कर लेते हैं, कि क्वेश्चन ये आएगा कि पहला क्वेश्चन रहेगा कि क्रैनियल नर्व कितनी होती है, संख्या में कितनी होती है, तो आपका 12 पेयर रहेगी। यदि मैं कहूं कि क्रैनियल नर्व की टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स की होती है, तीन टाइप्स की होती है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्रैनियल नर्व नंबर एक वो किस टाइप की है, सेंसरी है और मोटर है या मिक्स्ड है, तो एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्रैनियल नर्व दो नंबर है उसका नाम क्या है, है ना, ऑप्टिक नर्व है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्टिक नर्व है उसका फंक्शन क्या है, या क्वेश्चन ये आएगा कि विजन कौन सी क्रैनियल नर्व करवाती है, वो आएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों बात प्रश्न के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से याद करना है, क्योंकि ये उकड़ सुकड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप उसको ट्रिक को लिखिएगा, OOOTTAFVGVGVAH, है ना, ये ट्रिक लिखिएगा। इस ट्रिक के द्वारा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और उस प्रैक्टिस के द्वारा आपको क्या करना है, ए सीक्वेंस वाइज नंबर ऑफ द क्रैनियल नर्व रिमेंबरिंग, है ना। जैसे सबसे पहले है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लोमेटर। मैंने क्या किया है, मैंने आपको जो फर्स्ट जो लेटर है वो लिया है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लोमोटर। उसके बाद में दो है, पहला है ट्रोकोलियर और उसके बाद में है ट्राइजेमिनल, ट्रोकोलियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट एंड फेशियल, एब्डुसेंट और फेशियल। उसके बाद में वेस्टिबुलो कोक्लियर और ग्लोसोफेरेंजियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर और ग्लोसोफेरेंजियल, और उसके बाद में वेगस, असेसरी एंड हाइपोग्लोसल, ठीक है ना, याद हो जाएगा ना। ट्रिक क्या हुआ, OOTTAFVGVAH, OOTTAFVGVAH, ठीक है ना। एक तो आप इस सीक्वेंस से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया है कि क्रैनियल नर्व 3 वो किस टाइप की है, सेंसरी है, मोटर है या मिक्स्ड है। तो उसको अपन एक बार देखते हैं, उसका भी ट्रिक बता देते हैं कि सेंसरी है, सेंसरी है वो 128, है ना, 128। जैसे ये एक नंबर, दो नंबर और ये आठ नंबर, ठीक है ना, ये किस टाइप की है, सेंसरी है। तो इसके अंदर आप लिख लीजिएगा कि एक नंबर ये सेंसरी हो गया, उसके बाद में दो नंबर ये सेंसरी हो गया, और उसके बाद में आठ नंबर ये किस टाइप की हो गई, सेंसरी हो गई। तो मैंने आपको लिखाया सेंसरी जो क्रैनियल नर्व है वो 128, ये इस टाइप का है, एक नंबर, दो नंबर और आठ नंबर, इसको ऐसे ट्रिक से याद करना है, 128।
उसके बाद में जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड प्रकार की है वो है 57910, 57910, 5, 7, 9, 10, है ना, 5, 7, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और उसके बाद में 9, ये 9 और 10, ठीक है ना, 57910, ये किस टाइप की है, ये है आपका मिक्स्ड टाइप की है। इन दोनों के अलावा 128 और 57910, इनके अलावा जितनी भी रहेगी वो रहेगी मोटर। पहले अपन ये सेंसरी वाला हो गया 3, 128 हो गया, उसके बाद में 5 का है ये वाला ना, ये कौन सी होगी मिक्स्ड, 5, 7, उसके बाद में यही ना, ये होगी मिक्स्ड, और उसके बाद में 10, ये होगी मिक्स्ड, और उसके बाद में जितनी भी नव रहेगी जो रिमेनिंग है वो किस टाइप की है, मोटर नव, लिख दीजिएगा मोटर मोटर। तो अब आपको इन जितने भी नव है उसके बारे में समझ में आ गया, कैसे सीक्वेंस में याद रखना है और आपको कैसे किस टाइप की है उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो 5, 7, 9, 10 और 128, ये सेंसरी है और ये है मिक्स्ड है, और मोटर जो रिमेनिंग रह गया है वो, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इसके क्या फंक्शन है। फंक्शन की बात करें सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रिपल ओ आया है, सबसे पहले कोई भी जो प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, कोई वस्तु बनती है तो कहाँ बनती है, फैक्ट्री में। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कोई भी होता है तो अपने फैक्ट्री में जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा है, कौन सी नव है, ऑल फैक्ट्री, ठीक है ना। ऑल फैक्ट्री इज रिलेटेड टू कांक, कहाँ होती है, नोज में, है ना। तो ये नाक हो गया, तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑल फैक्ट्री, है ना। अब ऑल फैक्ट्री रिलेटेड टू नोज, और इस नोज का क्या काम है, smell. है ना, स्मेल। वो बोलेगा आज वो स्मेल आ रही है, वो स्मेल आ रही है, तो ये वो स्मेल का ज्ञान कौन सी नर्व करवाती है, वो करवाती है ऑल फैक्ट्री नर्व, ठीक है। दूसरा है ऑप्टिक, है ना, जैसे ये नोज है, उस नोज से ऊपर की तरफ क्या है, आई, तो दूसरे नंबर का क्या हो गया, ऑप्टिक, है ना, ऑप्टिक, और ऑप्टिक रिलेटेड टू आई, और आई का क्या काम है, विजन करवाना, है ना, दिखाना, देखना। उसके बाद में ओकुलोमोटर, अब देखिएगा पहले नंबर पे ऑल फैक्ट्री, दूसरे नंबर पे ऑप्टिक, और उसके बाद में 3, 4, 6, 3, 4, 6, ये आई का मूवमेंट करवाती है, ध्यान रखना 3, 4, 6, 3, 4, 6, ये क्या करवाती है, आई मूवमेंट करवाती है, आई का मूवमेंट ऊपर नीचे इधर उधर आगे पीछे, तो ये दिखाने का काम कौन करेगा, क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 4 और 6, ठीक है ना, 3, 4, 6। तो आपको पहला दूसरा याद हो गया, 3, 4, 6 याद हो गया, और उसके बाद में पाँचवें नंबर पर है ट्राइजेमिनल, और ट्राइजेमिनल का काम है फेस सेंसेशन, है ना, फेस के ऊपर सेंसेशन, फेशियल सेंसेशन का काम कौन करेगी, ट्राइजेमिनल। एब्डुसेंट है, मोटर प्रकार की है, और ये मैंने आपको बता दिया, एब्डक्ट ऑफ आई, है ना, एब्डक्ट ऑफ आई, आई का एब्डक्ट करना, जैसे अपन को नोज को देखना है, इस नाक को देखना है, तो ऐसे अपन को देखते ना तिरछा की तरफ, एब्डक्ट होता है, तो ये है 6 नंबर का। उसके बाद में फेशियल, जो क्रेनियल नर्व है वो फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हंसते हैं करते हैं तो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना। नहीं तो आपने देखा होगा कि ये जब क्रेनियल नर्व होती है और ये जो फेशियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है या पैरालिसिस हो जाती है, तो ऐसा कंडीशन के अंदर क्या होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन घट जाता है और एक डेड पर्सन जस्ट लाइक एज ए डमी, है ना, उसका जैसे मोशन एंड म्यूट रहता है, जिसमें अंदर कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, मधु कुमारी हंस रही है, सामने वाला कोई नहीं हंस रहा है, ऐसे मोशन एंड म्यूटलेस, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसका पैरालिसिस घट गया है, है ना, उसको नर्व क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, तो फेशियल एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, और या रहता है या एक साइड का हुआ है तो इस साइड का क्या है कि ये गाल है वो क्या नीचे की तरफ लटकते रहते हैं, है ना, क्योंकि उसकी नर्व है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, तो फेशियल एक्सप्रेशन उसकी वजह से होता है। वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर, कोक्लिया इज रिलेटेड टू ईयर, आंख, आंख कान के अंदर ना, कान के अंदर, ठीक है ना, तो वेस्टिबुलो कोक्लियर, और कान का जो मेन काम होता है हियरिंग, सुनना, और एक कान क्या काम करता है, बैलेंस को बनाए रखता है, समझ में आ गया ना, कान नहीं है तो बैलेंस बदल जाएगा,
ठीक है ना। तो वेस्टिबुलो कोक्लियर का काम है बैलेंस का बनाना, उसके ग्लोसोफेरिंजियल मिक्स टाइप की है, और ये टेस्ट और गैग रिफ्लेक्स करवाता है, स्वाद का ज्ञान करवाता है। सबाना बानो कौन सा करवाएगा, कौन सी क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल है ना, रसगुल्ला खाता है, नमकीन खाता है, तो कौन करवाएगा फिर ये बर्गर पिज्जा, कौन ज्ञान करवाएगी टेस्टी है या नहीं है, कौन सी नर्व कराएगी, ग्लोसोफेरिंजियल करवाएगी। उसके बाद में वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, वह कौन सी क्रेनियल नर्व जो सबसे लॉन्गेस्ट है, वेगस नर्व है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आता है, वेगस नर्व है और ये गैग रिफ्लेक्स का काम करवाता है। व्हाट इज द गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स जैसे अपन के माउथ के अंदर सिक्रेशन होता है, ठीक है, अब सिक्रेशन होता है तो अपन कैसे घटक जाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे करते ना, तो इट इज द गैग रिफ्लेक्स। यदि ये इसकी मसल से नर्व है वो डैमेज हो गई, तो जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे पेशेंट, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पैरालिसिस ऑफ द क्रेनियल नर्व या इसे फेशियल नर्व, तो उसके अंदर जबड़ा वाला है तो यहाँ की नर्व होती है तो फिर लार टपकता रहता है ना, लार टपकता रहता है, तो यही कारण है कि उसका गैग रिफ्लेक्स वाली जो नर्व है वो डैमेज हो गई है, तो इसलिए इस प्रकार को देखने को मिलता है। तो टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्स, दूसरा है वेगस नर्व, ये भी गैग रिफ्लेक्स का काम करवाती है। एसेसरी ऑर्गन है वो शोल्डर सर्ग, शोल्डर सर्ग का मतलब क्या हुआ, है ना, ऐसे से कंधा ऊपर नीचे करता ना, तो उस कंडीशन में के अंदर ये एसेसरी ऑर्गन करवाता है। और हाइपोग्लोसल, ए टंग मूवमेंट, ए टंग मूवमेंट जीव का मूवमेंट करवाने का काम है ना, जीव ज्यादा चलती है किसकी वजह से, इस हाइपोग्लोसल नर्व के द्वारा। यदि इस नर्व की डैमेज हो गया तो फिर बाद में कुछ नहीं होने वाला है, तो ये किन बच्चों को रिक्वायरमेंट है ज़्यादा जीभ को नहीं चलाना है, ठीक है, तो ये स्वेलोविंग निगलने के लिए भी ये नर्व काम करती है। दूसरा है स्पीच, जीभ ऊपर नीचे होगा तब तो वॉइस आएगी, है ना, तो ये स्पीच के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आज अपन क्रेनियल नर्व पढ़े, क्रेनियल नर्व के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देखो क्या रखना है, कौन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहला नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व, तो 12 या 12 पेयर या 24, ध्यान रखना है, ए के अंदर रहेगा 12 पेयर, बी के अंदर रहेगा 24, सी के अंदर रहेगा बोथ, और डी के अंदर रहेगा इनमें से कोई नहीं, या इसमें से रहेगा 31, तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन राइट ध्यान रखना है, आप लास्ट तक पढ़ते जाइएगा, 12 पेयर लिखा हुआ है या 24 लिखा हुआ है, तो ये दोनों का मतलब एक हुआ ना, तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा है कि सेंसरी का मतलब क्या हुआ, मोटर का नर्व क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद में टाइप्स, मैंने आपको ये इसके बारे में बता दिया कि किस टाइप की है, इस नंबर की है तो कितने नंबर की है, कौन सी टाइप्स की होती है, सेंसरी है, मोटर है, या इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, तो उसके अंदर आपको ट्रिपल ओ डबल टी ए एफ वी जी वी एस याद रखना है, सेंसरी में 128 और मिक्स्ड के अंदर 57910, ये याद रखना है, ठीक है, 3, 4 और 6 नंबर की है जो आई मूवमेंट करवाने का काम करती है, ठीक है ना, और जीभ का मूवमेंट कौन करवाएगा, 12 नंबर का, ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद।